हेलो दोस्तों, यार वेलकम आर के जैड थिएटर ग्रुप। आर के जैड आपके लगातार ऑडिशन से रिलेटेड, एक्टिंग से रिलेटेड और जो भी जानकारियाँ आपके लिए काम की होती हैं वो लेकर आता रहता है। इस वीडियो में मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ मिडनाइट मेडिटेशन कैंडल के साथ। देखिए दोस्तों, एक अभिनेता के लिए एक्सरसाइज करना, जिम करना, मेडिटेशन करना, योगा करना बहुत ज़रूरी होता है। किस लिए? वो इसलिए कि आप अपनी इनर साइड की जो पावर होती है उसको बिल्ड कर सकें और आगे बढ़ सकें। क्योंकि फिल्मों में जब भी आप एक डायलॉग बोलते हैं, कोई डायलॉग बोलते हैं, स्क्रिप्ट याद करते हैं, तो बिना आप मेडिटेशन या बिना एक्सरसाइज के इन चीज़ों को याद नहीं कर सकते हैं। तो इससे आपका माइंड जो है वो एक तरह से कह सकते हैं कि रिचार्ज या आप उसे चार्ज करते रहते हैं। तो ऐसे में आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है कैंडल मेडिटेशन। ये कैंडल मेडिटेशन आप कभी भी कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी यह है कि जब भी एक टाइम, जैसे कि अगर आप रात में करते हैं 11 बजे के आसपास या फिर सुबह 4 बजे के आसपास करते हैं, 6 बजे का शांत माहौल के अंदर मेडिटेशन, या फिर एक बंद कमरे के अंदर आप एक कैंडल ले लीजिए, मोमबत्ती, और उस मोमबत्ती को जलाकर उस पर ध्यान केंद्रित करिए। कई तरह की चीज़ें होंगी आपके साथ, आपका कई बार लगातार कॉन्सेंट्रेट नहीं बनेगा, आपकी आंखों में दर्द हो जाएगा, आपकी आंखों में से आंसू आने लगेंगे, तरह तरह की चीज़ें जो हैं आपके सामने फेस होंगी। लेकिन ये लगातार नहीं करना है, ये आपको हर दिन जो है कम से कम 3 से 5 मिनट तक आप डेली ये कैंडल मेडिटेशन करेंगे, तो इससे आपका आई कॉन्टैक्ट अच्छा होगा। दूसरा, आपका जो ध्यान है वो इधर उधर भटकेगा नहीं। जब आप डायलॉग बोलते हैं, जब आप कई बार होता है कि आप भूलने वाले होते हैं तो आपकी आंखें मटक जाती हैं इधर से उधर और लग जाता है, क्योंकि आप कोई डायलॉग बोल रहे हैं और बोलते बोलते आप भूल गए कुछ शब्द, तो उस सामने जो डायरेक्टर जो भी आपका शूट कर रहा है वो पहचान जाता है कि ये कहाँ पर फंबल मार गया है या कहाँ पर इसने। और कई ऐसे एक्टर भी होते हैं जो बहुत ही फ्लुएंटी तरीके से अपने डायलॉग को बोल भी देते हैं और किसी को पता भी नहीं लगते कि कहाँ पर वो लाइन भूल गए थे और कहाँ पर उन्होंने अपने आप को रिचार्ज किया और आगे बढ़ गए। तो इस तरह से आप जो है अपने लिए डेली जो है 5 मिनट के लिए कम से कम शांत वातावरण के अंदर एक कैंडल मेडिटेशन कीजिए मोमबत्ती जलाकर। उससे आपका रोज़ाना जो है जो ध्यान है वो एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट होगा। आप बहुत बेहतरीन तरीके से आप अपने आप में डेवलपमेंट देखेंगे धीरे धीरे। और किसी भी चीज़ को करने के लिए डेली की रिहर्सल होती है। एक्टिंग एक ऐसी फील्ड है जहाँ पर एक अभिनेता को हर दिन रिहर्सल करनी पड़ती है और उसे अपनी चीज़ें ध्यान रखने के लिए, अपने और उस रिदम में बने रहने के लिए वो एक्सरसाइज करनी पड़ती है। दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करके जरूर बताइएगा। सब्सक्राइब मैं हमेशा लास्ट में कहता हूँ। अगर आपको मेरे वीडियो से कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी जानकारी या कुछ भी तरह का जो आपके लिए बेनिफिट हो वो मिल रही है उस चीज़ की जानकारी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये उनके लिए होता है जो पहली बार मेरे चैनल पर आते हैं, चैनल पर वीडियो देखते हैं, वीडियो अच्छे लगते हैं तो और वीडियोज़ देखिए, और अगर और भी ज़्यादा वीडियो देखने हैं तो उसके बाद आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उससे क्या होगा कि उससे ये होगा कि आपको मेरे लेटेस्ट और अपडेट वीडियोस मिलते रहेंगे जो मैं हर दिन आपके लिए लाता रहता हूँ।